भगवान हमेशा देने वालों में रहता है और हम चैरिटी, ये फिनोमेना समय से बाहर है कि क्यों एकदम से चीज़ें जो हैं वो मार्केट से शार्ट होती हैं, और उसकी वजह ये है कि वो डिमांड सप्लाई जो गैप है वो क्राइसिस को जन्म देता है और अल्टीमेटली प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम पे बोझ जो है वो डबल हो जाता है। इस चीज़ को महसूस करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है उसको हदायत जारी की हैं कि वो असेंशियल आइटम्स जो आम शख्स की ज़रूरियात में सर फहरिस्त हैं उन असेंशियल आइटम्स को सब्सिडाइज किया जाए और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ज़रिए वो 19 असेंशियल आइटम जो हैं वो सस्ते दामों आवाम को दस्तयाब हों और यूटिलिटी स्टोर उस हवाले से अपना कलीदी किरदार अदा करें। आज एमडी यूटिलिटी स्टोर को मैं आपके तवसत से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको अप्राइज भी करें। पूरा जो कॉन्सेप्ट है जो हुकूमत का सबसे अहम हमारा पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बारहा ये बावर करवा चुके हैं, वो सूबाई हुकूमतें हों, वो वफाकी हुकूमत के इदारे हों, वो वज़राए आला हों, उनको ये मीटिंग्स लेके सेंसिटाइज किया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अवाम की मुश्किलात को कम करने की स्ट्रेटजी बनाई जाए, और ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन मीटिंग्स को हेड किया, अपना जेस्चर शो किया, उन लोगों के लिए इजहार यकजहती किया और रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में लोगों को सहूलतें देने के लिए तरजीहात तय की हैं। इसी सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से जो वज़ीर आज़म की हदायत पे वज़ीर आज़म ने 2 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर के 19 असेंशियल आइटम्स के लिए ग्रांट की है, पैसे इनके पास आ चुके हैं और वो सब्सिडी जो है वो यूटिलिटी स्टोर के ये 19 मेरे पास लिस्ट है, हमारे जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं आम शख्स की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उसमें आटा, चीनी, घी, खाने का तेल, दाल चना, दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर, सफ़ेद चने, चक्की का बेसन, खजूर, बासमती चावल, सेला चावल और टोटा चावल, स्कॉच वगैरह शरबत के जो मुख्तलिफ हैं, पत्ती, दूध, मसाले, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो 19 आइटम हैं जिसमें हुकूमत ने मार्केट रेट से हर चीज़ में अलग अलग से सब्सिडी दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पे ये दस्तयाब हैं। हाँ, क्योंकि जब यूटिलिटी स्टोर पे वो लोड बढ़ेगा तो उसको चैनलाइज करना कि किस तरह से वो स्टॉक जो है यूटिलिटी स्टोर में दस्तयाब रहे उसके लिए वो मैकेनिज्म एमडी साहब आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों ना कि एक ही शख्स जो है वो रोज़ दूसरे के हिस्से का स्टाफ ले के वहाँ शार्टेज क्रिएट करे और उसको बिल्कुल स्टोर को खाली कराए और दूसरों के ख़रीदने के लिए वो सामान वहाँ दस्तयाब ना हो। ये एक मैकेनिज्म इनकी तरफ से प्लान हुआ है। सबसे मेन आपका आइटम जो आटा है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर हुकूमत उसमें 95 रुपीज़ की सब्सिडी दे रही है 20 kg के बैग पे, यानी 4 रुपीज़ पर kg उसमें हुकूमत वो बोझ उठाएगी और जो मार्केट में 795 का 20 kg का थैला है वो आपको 700 रुपये में दस्तयाब होगा। इसी तरह चीनी पे 5 रुपये पर kg सब्सिडी है, घी पे आपकी 15 रुपये पर kg सब्सिडी गवर्नमेंट देने जा रही है, खाने के तेल पे 10 रुपये पर लीटर है, दाल चना 20 रुपये पर kg, दाल मूंग 15 रुपये, इसी तरह तमाम वो दाल सफ़ेद चने जो आपका मेन कंपोनेंट है लोग उसको चाट वगैरह में या दही भले वगैरह में अफतारी में यूज़ करते हैं उसमें 25 रुपये पर kg हम सब्सिडी दे रहे हैं इसमें।
बेसन जो है वो एक और एसेंशियल आइटम है, उसके अंदर जो है वो 20 रुपए पर केजी सब्सिडी है। खजूर जो हर शख्स की ज़रूरत है और रोज़ा जो है उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, वो 30 रुपए पर केजी यूटिलिटी स्टोर पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। इसी तरह चावल में 15 रुपए और बाकी जो है पत्ती में 50 रुपए, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और दूध में 15 रुपए और मसाले वगैरह 10% डिस्काउंट पे, ये वो इनिशिएटिव हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बारीक बीनी से एक एक इंसानी ज़रूरत की जो बेसिक असेंशियल आइटम है उसको ख़ुद उन्होंने ये सब्सिडी प्लान की है, उसके लिए रिलीजेज इंश्योर की है, एमडी यूटिलिटी स्टोर को ये इंश्योर किया है कि आप दस्तियाबी को यकीनी बनाएं और हर यूटिलिटी स्टोर में ये सामान होना चाहिए और आवाम की उन अशिया तक एक्सेसिबिलिटी हो, रसाई हो। इसके साथ साथ चूँकि पिछले दौर में 1.6, ये मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगी और आप इसको एंड में कॉपीज़ आपके पास होंगी, क्योंकि फिर बाद में आपने एहतसाब भी करना है हमारा कि कहाँ दस्तयाब है और कहाँ नहीं है, तो मैं समझती हूँ आपकी तकलीफ़ को, मुझे ये दे के जानी है आपको। दूसरी चीज़, चूँकि ये आपका पिछले दौर में भी सब्सिडी अनाउंस हुई और पिछली हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पे ये सब्सिडी अनाउंस की थी, 1.6 अरब रुपए जो है इसकी सब्सिडी दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसे जो है वो लैप्स कर गए। और उसकी वजह ये थी कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी, सिर्फ 76 करोड़ रुपया यूटिलाइज हुआ, बाकी सारे पैसे लैप्स करके। इस दफ़ा हमने ये इंश्योर किया कि जो सब्सिडी अभी एक माह आपका है 30 रोज़े, आज से ये उसको इंश्योर करेंगे, और जो इनके वेंडर हैं या सप्लायर हैं या पीछे से जो इनका एक मैकेनिज्म है सप्लाई चेन का, उसको नहीं टूटना चाहिए। और उसके लिए मैकेनिज्म और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इनिशिएटिव्स क्या हैं वो एमडी साहब आपको अप्राइज करेंगे। आखिर में थोड़ा सा सियासी मसाला मैं डालूंगी ताकि आप बैठे रहें और इनकी बात सुने। जी आप सब भी एक बात खत्म कर देते हैं, मैं मिल के जाऊँगी, मैं मिल के जाऊँगी, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है। सब भी एक बात खत्म कर देते हैं, मैं मिल के जाऊँगी, मैं मिल के जाऊँगी, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है, आपकी ज़रूरत की चीज़ है। परवेज रशीद साहब बैठा करते थे, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जो आपने कर्ज उतारो मलक सवारों के हवाले से पैसे इकट्ठे किए हैं वो कहाँ हैं। 4 साल उन्होंने मुझे तख्ता मशक बनाए रखा, कभी किसी शहर में ट्रांसफर।